In this question, a thin plano convex lens of radius r, refractive index mu 2 1.5, has its curved surface in liquid of refractive index mu 3 1.2, and the plane surface exposed to the air of refractive index mu 1 is equal to 1, a self-luminous particle oscillating simple harmonically with a small amplitude root 2 cm is placed on the axis of the lens as on the figure. Determine the orientation, amplitude and phase difference of the oscillating final image with respect to the object. So according to this diagram, यहाँ पे एक object है जो कि principal axis से optical axis से 45 degree angle बनाते हुए along this line simple harmonic motion कर रहा है यहाँ पे, और इसके लिए amplitude root 2 cm दिया हुआ है. अगर इसे components किए जाएँ तो along the principal axis component हो जाएगा root 2 cos 45 1, और परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट हो जाएगा 1. तो 1 अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और 1 परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और जो इसके मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन की डिस्टेंस इस लेंस सिस्टम से दी गई है 14 सेंटीमीटर. अब क्योंकि इस लेंस के दोनों साइड में मीडियम डिफरेंट है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिक्विड है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करके इसके फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, और एज यूजल जो लेंसेज होते हैं उस लेंसेज की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते. जो एज यूजल लेंसेज होते हैं नॉर्मल लेंसेज, उसमें दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए, तभी फोकल लेंथ डिफाइन कर पाएंगे और लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज़ करते हुए. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बेसिक रूल्स अप्लाई करने होंगे, यानी इंडिविजुअली ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्शन, और उसके बाद में ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्शन लेना होगा. तो सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअली पहले यहाँ से इमेज ऑप्टेन कर सकते हैं, उसके बाद में इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और फिर यहाँ से इसके इसने जहाँ पर इमेज बनाई होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बार बार वैल्यूज रखना अपने आप में एक यहाँ पर ज़्यादा लेंथी हो सकता है, इसलिए बेटर ये होगा कि पहले इसको कम्प्लीटली वेरिएबल्स में सॉल्व कर लिया जाए और फिर लास्ट में वैल्यूज पुट कर दी जाएँ. तो मैं यहाँ पर अभी वेरिएबल्स में पुट करता जाता हूँ और एक फार्मूला डराइव कर लेते हैं, उस फार्मूले में लास्ट में वैल्यूज पुट कर लेंगे. तो पहले प्लेन सरफेस से मैं डायरेक्टली जो फार्मूला होता है कर्व सरफेस का, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ. लेकिन प्लेन सरफेस के लिए यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफिनिट हो जाएगा. तो फार्मूला इज़, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, जो रेज हैं वो म्यू वन मीडियम से म्यू टू मीडियम में जाएंगे फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस प्लेन सरफेस. तो सेकेंड मीडियम इज म्यू टू, म्यू टू बाय सपोज इससे जो इमेज बन रही है उसका कोऑर्डिनेट है वीडस, मैं जस्ट कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको पुट कर रहा हूँ, माइनस इनिशियल मीडियम इज म्यू वन, यू इज कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पे पुट कर लिया जाएगा. दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, एंड दिस आर इज़ इन्फिनिट फॉर दिस प्लेन रेडियस प्लेन सरफेस. सो म्यू टू बाई वी डेस माइनस म्यू वन बाई यू, दिस इज इक्वल टू जीरो. दिस इज इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम दिस सरफेस. नाउ दिस वी डेस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट कॉर्डिनेट फॉर दिस कर्व सरफेस. तो इस कर्व सरफेस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट कॉर्डिनेट की तरह वर्क कर रहा है. तो यहाँ पर जो रेज हैं वो म्यू टू से म्यू थ्री में जा रही होंगी. तो म्यू थ्री सेकेंड मीडियम, म्यू टू फर्स्ट मीडियम, तो सेकेंड मीडियम म्यू थ्री, सपोज जो फाइनल इमेज है उसके कोऑर्डिनेट वी है, म्यू थ्री बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी डेस, दिस इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर. अब अगर इन वन और टू को ऐड कर दिया जाए तो इससे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि ये वीडस कैंसिल हो जाएगा. तो वन प्लस टू, तो वन प्लस टू किया तो दिस इज़ नाउ कैंसल्ड, और जो बचेगा वो होगा म्यू थ्री बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, दिस इज़ इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू बाय आर. तो ऐसा करने से कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमें वीडस कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, वीडस कैंसिल हो जा रहा है. अदरवाइज़ यहाँ से पहले वीडस कैलकुलेट करते, फिर उस वीडस को यहाँ पे पुट करके फिर वैल्यूज कैलकुलेट करते, तो उससे थोड़ा लेंथी हो जाता, कैलकुलेशन इंक्रीज़ हो जाती. तो इसमें अब इजीली सभी वैल्यूज़ को पुट किया जा सकता है, मेरे को वी कैलकुलेट करना है. तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो यू को मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अलोंग द इंसिडेंस रे
जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। और इसके पोल से या इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए वी हैव टू कम इन दिस वे, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, तो यू इज़ -14, यू की जगह -14। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी यहाँ कहीं पे होगा, और उसके लिए भी इस ऑप्टिकल सेंटर से इधर मूव करना पड़ेगा और वो इसके अपोजिट होगा, इसलिए आर भी यहाँ पे -14। और बाकी वैल्यूज़ हमको पता ही हैं μ1, μ2 एंड μ3 की, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद में जो वी का यहाँ से आंसर मिलेगा, दैट आंसर इज़ -24 सेंटीमीटर। और ये माइनस ही इंडिकेट करता है कि जो इमेज बन रही है वो इमेज, यानी बेसिकली हमें मीन पोजिशन बताएगा कि वेयर इज़ द मीन पोजिशन ऑफ दैट इमेज, ऑसलेटिंग इमेज। जो मीन पोजिशन आ रही है वो 24 पे आ रही है, तो डैट मीन्स 24 का मतलब है कि यहाँ कहीं पे ये इमेज बन रही है, एंड दिस डिस्टेंस इज 24, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। अब ये तो आ गया, लेकिन अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो किस एक्सटेंट तक मूव कर रहा है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी हैं, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालना होगा और परपेंडिकुलर के लिए लेटरल मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन इसका देख लेता हूँ, और इसमें क्योंकि स्मॉल एम्पलीट्यूड के बारे में बोला गया है, यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि वी हैव टू ट्रीट द एम्पलीट्यूड स्मॉल, तो डिफरेंशिएशन करके लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए ये जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग दिस रिज़ल्ट इट विल गिव -dv/v²μ3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, du/u²μ1। और यहाँ पे ये सभी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से dv का मतलब हो जाएगा कि जो इमेज है वो मीन पोजीशन से कितना डेविएट हो रही है, दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो dv यहाँ पर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट हो जाएगा, और इन सभी क्वांटिटीज़ को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं v²/u², और ये हो जाएगा μ1/μ3 इंटू du। du जो है यहाँ पे हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके एम्पलीट्यूड का क्या कंपोनेंट है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये 1 है, और इससे एक चीज़ और ही क्लियर होती है कि dv और du का साइन जो है वो एक जैसा ही है। इसका मतलब ये है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी तरीके का इन्वर्जन यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा उसी तरीके से यहाँ पर इमेज भी ओरिएंटेड होगी, तो देर इज़ नो इन्वर्जन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक तो ये आ गया, इसमें ये वैल्यूज पुट कर लेंगे वी यू और म्यू वन म्यू थ्री, डी यू की वैल्यू हमें 1 पुट करनी होगी इसके अंदर, 1 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में जो डी वी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.45 सेंटीमीटर। इसका मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट है वो है 2.45। अब लेटरल परपेंडिकुलर के लिए लेटरल मैग्नीफिकेशन देखना होगा, और लेटरल मैग्नीफिकेशन का इस तरीके के सिस्टम के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कुछ तरीका नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग अलग मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन और एक बार ये जो कर्व सरफेस है यहाँ से रिफ्रैक्शन। और मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, वो होता है v/2nd मीडियम कर्व फैक्टर इंडेक्स, u/1st मीडियम कर्व फैक्टर इंडेक्स। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा 1/1 दोनों सर्फेसेस के लिए। तो जो पहला इंटरफेस है μ1 से μ2 वाला, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हमने जो इमेज बनी थी फर्स्ट सर्फेस से उसको रिप्रेजेंट किया था v' से, तो v′/μ2 दिस डिवाइडेड बाय u/μ1, ये फर्स्ट सर्फेस से हो गया। उसके बाद जो सेकेंड सर्फेस है, सेकेंड सर्फेस के लिए जो इमेज बन रही है वो v, तो दिस विल बी v, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, μ2 से μ3 में, तो v/μ3 डिवाइडेड बाय, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था वो v′ था, तो v′ / μ2।
जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगा एम टोटल, लेटरल मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, दिस इज़ लेटरल मैग्नीफिकेशन, तो ये जो एम टोटल होगा ये हो जाएगा एम वन मल्टीप्लाइड विथ एम टू, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अगेन वही बेनिफिट यहाँ पर भी है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमें विडेस इंटरमीडिएट जो यहाँ पर इमेज बन रही है फर्स्ट सरफेस से उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस विल बी वी बाई म्यू थ्री डिवाइडेड बाई यू बाई म्यू वन, वी भी नेगेटिव है जो यू है वो भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा जब वैल्यूज पुट की जाएंगी यहाँ पर इनमें तो। और इस वैल्यू को मैं इसके बराबर लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, अब क्योंकि ये सारा पॉजिटिव है तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिस साइन जो साइन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का है वही साइन हाइट ऑफ इमेज का भी यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर भी कोई इन्वर्जन नहीं है और अलोंग भी कोई इन्वर्जन नहीं है यहाँ पर। तो हाइट ऑफ इमेज या फिर ऐसे कह लें कि एम्पलीट्यूड जो होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो सब वैल्यूज को पुट करने के बाद में 1.42 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होगा यहाँ पर। तो एक तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर जा रहा होगा यहाँ पहुँच गया होगा, तो इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनली ये इधर की तरफ गया है, तो जो इमेज है वो भी इधर की तरफ ही आई होगी क्योंकि दोनों का एक जैसा ही सेंस है, और क्योंकि ये ऊपर है तो जो इमेज है वो भी ऊपर ही बन रही होगी। तो इन सभी से ये बोल सकते हैं कि देर इज़ नो फेज डिफरेंस, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया कि जो इमेज यहाँ पे एसएम कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट एसएम कर रहा है उसमें किसी तरीके का कोई फेज डिफरेंस नहीं, नो फेज लैग, नो फेज डिफरेंस, नो लीडिंग, नो लैगिंग। अब इसके बाद में हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड, तो जो नेट एम्पलीट्यूड है हमने अलग अलग कैलकुलेट कर रखा है अभी तो फिलहाल इसको, कि अलोंग 2.45 है और परपेंडिकुलर 1.42 है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करना होगा। अगर स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया जाए तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, 2.45 का स्क्वायर या लॉन्ग है और परपेंडिकुलर है 1.42, स्क्वायर करके ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट यहाँ से आएगा वो अप्रॉक्स 2.8 सेंटीमीटर आएगा। तो 2.8 सेंटीमीटर दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इमेज। इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, किस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर ये कर रहा होगा, जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो तो 45 डिग्री के अलॉन्ग कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अब ये किसके अलॉन्ग कर रहा होगा, तो इसमें क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होते तो ये 45 डिग्री होता, तो ये किसके अलॉन्ग करेगा उसके लिए मैं यहाँ पर 10 फाई निकाल लेता हूँ। तो दिस 10 फाई, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये है, तो 1.42 फाई जो है वो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में 1.42 है और इस डायरेक्शन में यहाँ पर ये है 2.45, तो 1.42 डिवाइड बाई 2.45। इससे फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो ये फाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30.09 डिग्री आती है, तो इसका मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन 30.09 पे होगा। दिखाना चाहे तो इसको डायग्राम में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, थोड़ा स्लोप कम हो गया इसका, ओरिएंटेशन कुछ उसी तरीके का ही है, एंगल चेंज हो गया बस, फेज डिफरेंस कोई है नहीं यहाँ पे, 30.09 डिग्री पे यहाँ पे कर रहा है। तो हर एक पार्ट के आंसर हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं कि ओरिएंटेशन क्या होगा, 30.09 डिग्री पर होगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एम्पलीट्यूड कितना होगा उसका आंसर हमारे पास में है 2.8 सेंटीमीटर, क्या कोई फेज डिफरेंस है इन दोनों में, तो आंसर है देयर इज़ नो फेज डिफरेंस।